गुरु सत्ता को एक बार नमन करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परमन्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मंच पर विराजमान हमारे माननीय कुलपति जी, प्रतिकुलपति, हमारे रजिस्ट्रार साहब, हमारे युवा प्रकोष्ठ के प्रभारी श्री केदार दुबे जी, यहाँ बैठे सभी फैकल्टी के सभी सदस्य, हमारे आचार्यगण, आचार्य बहने, सभी छात्र छात्राओं, विशेष रूप से विद्यापीठ के बच्चे यहाँ मौजूद हैं, सभी को अभिनंदन करते हुए मैं संबोधित कर रहा हूँ। मैं जब 1978 में 28 साल का था, तब जब ये मैं गुरुदेव के पास आया, गुरुदेव का एक प्रवचन सुना मैंने, उस प्रवचन के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि आमंत्रण उन लोगों को भेजा गया था जिनको गुरुदेव चाहते थे। आमंत्रण ही नहीं भेजा गया था बल्कि एक हृदय से निकली हुई पुकार गई थी कि तुम्हें किसी हालत में आना है। मैं इंटेंसिव केयर यूनिट में फिजिशियन था भोपाल में, और मैं अपने जगह को छोड़ नहीं सकता था किसी हालत में, बिना किसी रिप्लेसमेंट के। न जाने क्या हुआ कि कुछ ऐसा दबाव, ऐसा कुछ दबाव शांतिकुंज से आया कि नहीं, किसी हालत में इस कार्यक्रम में आना है, वसंत पंचमी के कार्यक्रम में। 13 फरवरी 1978 का कार्यक्रम का दिन था वो, और मुझे 11 तारीख को छुट्टी मिली। 11 तारीख को मैं आपकी जीजी को लेके और चिन्मय को लेके मैं यहाँ आया, और शांतिकुंज आने के बाद गुरुदेव ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने टाइम निकाल लिया। मैंने कहा, गुरुदेव आप जानते नहीं, बड़ी मुश्किल से मिलता है टाइम, बड़े मुश्किल से निकल पाया टाइम। इंटेंसिव केयर यूनिट खाली नहीं हो रही थी, परंतु आपकी कृपा से खाली हो गई, और खाली हो गई तो मैंने सफाई में लगा दिया सब लोगों को, और मैं यहाँ आ गया। मैं जब आया यहाँ पर तो गुरुदेव ने जो प्रवचन दिया उस दिन, वो इतना क्रांतिकारी प्रवचन था वसंत पंचमी का। उस क्रांतिकारी प्रवचन में आमंत्रण था, यही समय है, आना है तो आओ, मेरे जाने के बाद आओगे तो क्या फ़ायदा, मेरे पास गिने चुने कुछ दिन बाकी हैं बस, इसके बाद 10-12 साल के बाद फिर मैं नहीं रहूँगा तुम्हारे बीच में। मेरे शब्द रह जाएंगे, मेरी वाणी रह जाएगी, मेरे लिखे हुए लेख रह जाएंगे, उन्हीं को पढ़ते रहोगे, परंतु मेरे साथ में रूबरू तुम रहना चाहते हो, प्रत्यक्ष रहना चाहते हो, जानना चाहते हो मैंने कैसे जीवन जिया, कैसे ब्राह्मण का और संत का, एक तपस्वी का जीवन जी करके मैंने एक संगठन खड़ा किया। अगर तुम आना चाहते हो तो यही सबसे सही, सबसे सही समय। मित्रों, ये जो मोमेंट होता है ना, सबसे सही समय पहचानने का, ये अभ्युदय का प्रतीक है। अभ्युदय का मतलब है कि अभी अभी इसी समय आपको डिसीजन लेना है। मैं ऊपर गया लेक्चर के तुरंत बाद, और लेक्चर के बाद मैंने अपना एक लेटर लिख के दिया कि मैं इस समय फिजिशियन की पोस्ट पे हूँ, और आपने रोक दिया था मुझे अमेरिका जाने से, तो मैं नहीं गया, और जाने का प्लान कर रहा था मैं, और अभी अभी DM कार्डियोलॉजी के लिए मुझे आमंत्रण मिला है, तो मैं चंडीगढ़ वहाँ भी जाने वाला था, परंतु वहाँ भी नहीं जाऊँगा, अमेरिका भी नहीं जाऊँगा, मैं रिज़ाइन करके इस्तीफा देकर यहाँ आना चाहता हूँ। गुरुदेव ने पढ़ा पत्र और रख दिया। मैंने कहा, क्यों क्यों आना चाहते हो? मैंने कहा, आपने बुलाया है, आपने प्रवचन में सबको बुलाया, मैं मुझे ही बुलाया है, बोले आमंत्रण सबको है, पर तुम क्यों आ रहे हो? कोई गद्दी नहीं है यहाँ, कोई पोस्ट नहीं है जिसके लिए तुम आ रहे हो। मैंने कहा, नहीं, कोई गद्दी के लिए नहीं आ रहा, पोस्ट के लिए नहीं आ रहा, मैं तो आपका आमंत्रण पे आ रहा हूँ कि अभी नहीं आओगे तो कब आओगे। बस ये जो आमंत्रण था गुरुदेव का, इसने मेरे जीवन की दिशा बदल दी पूरी की पूरी। उसके बाद जो का जो मैं हूँ, वो वाला नहीं हूँ जो पहले वाला था। पहले वाला चिंतन मेरा भौतिकवादी था, बाद वाला चिंतन मेरा अध्यात्मवादी हुआ, और उसके बाद मैंने उस दिन जो डिसीजन लिया, वो जब मैं नीचे माता जी को मालूम पड़ा और लोगों को मालूम पड़ा, मैंने रेजिग्नेशन भी भेज दिया वहीं से, 6 महीने का नोटिस भी भेज दिया कि 6 महीने के अंदर मैं खाली कर दूँगा और 6 महीने के अंदर मैं अपनी जगह से हट जाऊँगा। तो बहुत बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। मेरे चाचा जी चीफ मेडिकल ऑफिसर थे, पिताजी जज थे,
सबने प्रोटेस्ट किया बुरी तरह से। और सबसे ज़्यादा प्यारा उनको चिनमय लगता था, गोद में खिलाते थे, तो उन्होंने कहा ये चला जाएगा चला जाएगा। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मोह के वशीभूत होकर बहुत सारे कुचक्र रचे, षड्यंत्र रचे, तरह तरह की बातें हुई कि क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है। उनके दिमाग में ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये परम पूज्य गुरुदेव हैं कौन। परम पूज्य गुरुदेव के पास मेरे पिताजी रहे, अनुष्ठान किया, सब कुछ किया, पर पहचान नहीं पाए उनको, और मैं पहचान गया उनको। अवसर को पहचान लेना, अपने आराध्य को पहचान लेना, और अपने इष्ट को पहचान लेना, ये सबसे बड़ी बात है। किससे मैसेज मिलना है, किससे संदेश मिलना है, किसके माध्यम से आपका जीवन बदलना है, इसको जिसने पहचान लिया वो बदल गया। जैसे आपने देखा नरेंद्र नाथ विवेकानंद बन गए, जिस दिन उन्होंने देख लिया कि जो पगला सा लग रहा था हमको ठाकुर, ये पागल से लगने वाला ठाकुर मेरा गुरु है, जिस दिन उन्होंने पहचान लिया उस दिन उनके जीवन में अभ्युदय आ गया, उत्कर्ष आ गया। और वो उत्कर्ष जो हुआ उसके बाद वो जीवन बदल गया उनका, और उसके बाद वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली अपने छात्र रहने जो थे, वो चाहते तो बैरिस्टर बन सकते थे, वो चाहते तो ICS ऑफिसर बन सकते थे, उस जमाने की सबसे बड़ी पोस्ट थी ICS। वो चाहते तो बहुत बड़े तार्किक और दार्शनिक बन सकते थे, हेगल और उसके ऊपर चिंतन किया करते थे, बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, बहुत ही तार्किक व्यक्ति थे। परंतु उस तार्किक व्यक्ति के सारे तर्क समाप्त हो गए जब वो बिना पढ़े लिखे एक व्यक्ति से मिला जिसके अंदर भक्ति ही भक्ति समाई हुई थी। मैं भी परम पूज्य गुरुदेव से जब मिला तो मेरे जीवन में जितना भी कुछ था सब उसी दिन विगलित हो गया। और उन्होंने कहा मैं डॉक्टर के रूप में नहीं बुला रहा हूँ, मैं तुमको यहाँ एक कार्यकर्ता के रूप में बुला रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को तुम पूरी तरह से स्थापित करो, तुम लेखन करो, तुम मेरे पास बैठो, और जो मैं कहूँ वो करो, इसके अलावा कुछ मत करना। मैंने कहा नहीं, जो आप कहेंगे वो करूँगा, करिष्ये वचनम तव। बस वो एक बार जीवन में आ गया तो फिर आ गया, उसके बाद फिर जीवन में बार बार ये अवसर नहीं आता। उन्होंने जब ये कहा बस उसके बाद ये जीवन बदल गया मेरा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि बताना कि मेरे जीवन का एक एक वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण भी था। मैंने बहुत संघर्षों में जीवन जिया है, किसी को मेरे संघर्ष नहीं दिखाई देते। मैंने कितने लोगों से संघर्ष किया है, कितने लोगों से टकराहट ली है, और कितने लोगों से, कितने प्रलोभनों से, और कितने संघर्षों से मैं निकल करके यहाँ तक आया हूँ। ये केवल एक ही डिसीजन की वजह से है, और वो है डिसीजन उत्कर्ष के लिए, आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए ऊँचा उठना। बस अभ्युदय अभ्युदय अभ्युदय, यही शब्द मेरे जीवन में घुस गया, और यही अभ्युदय आज आप यहाँ मना रहे हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, छात्रों का छात्रों के लिए, छात्रों द्वारा, विद्यार्थियों का विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों द्वारा मनाए जाने वाला ये समापन, ये समारोह जो हो रहा है, ये वास्तव में मैं इसके लिए ये बधाई देता हूँ कि जो नए आए छात्र हैं हमारे, जो पहले से हमारे यहाँ छात्र पढ़ रहे हैं, उनके जीवन में भी एक नई क्रांति आएगी, कुछ बदलाव आएगा। सुबह से शाम तक कई चीज़ें होंगी, स्वाध्याय के बारे में चर्चा होगी, अपने जीवन में बदलाव कैसे लाया जाए, कई घटनाक्रम बताए जाएंगे, आपस में बातचीत होंगी, शाम को फिर हम लोग फिर मिलेंगे। जैसा चिन्मय ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम की दृष्टि से नहीं बुलाया आपको यहाँ पर कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और ये होगा, और ये यहाँ पर चर्चा होगी आंतरिक उन्नति की, कि हमारे इंटरनल डेवलपमेंट, हमारा इनर डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए। ये जो मिट्टी का घड़ा है हमारा शरीर, इसको तो हम विकास करते रहते हैं, इसका तो हम बहुत ज़्यादा करते रहते हैं, क्रीम भी लगाते हैं, बहुत तरह तरह से हम अपने आप को सजाते हैं, पर इसके अंदर जो चेतना निवास करती है, उस चेतना के विकास के लिए हमने कोई प्रयास किया क्या? वही काम आने वाली है। क्या हमने संस्कारों के उन्नयन के लिए कुछ प्रयास किया क्या? वही काम आने वाली है, वही आगे चल के जीवन में बढ़ेगी, वही आपके जीवन को ऊंचा उठाएगी। हम लोग अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें ये विश्वविद्यालय जैसा एक वेन्यू मिला जहाँ हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। मैं उस सभा में मौजूद था जिस सभा में गुरुदेव ने 25 जून 1980 को उद्घाटन किया था गायत्री विद्यापीठ का। 1980 में जो उद्घाटन हुआ था, परम पूज्य गुरुदेव ने जो प्रवचन दिया, उन्होंने कहा कि मैं जो ये आज जिस विद्यालय का उद्घाटन कर रहा हूँ, ये विद्यापीठ है, गायत्री विद्यापीठ है, और इस विद्यापीठ के माध्यम से कई संस्कारवान बच्चे निकलेंगे इसमें, और आगे चल के हमारे उत्तराधिकारी इसको विश्वविद्यालय के रूप में कन्वर्ट करेंगे, परिणित करेंगे, और ये हमारे सामने नहीं होगा, हमारे बाद होगा, और फिर वो विश्वविद्यालय बढ़ता चला जाएगा, नालंदा तक्षशिला परंपरा को आगे बढ़ाएगा, और न जाने कितने उसकी शाखा प्रशाखाएँ होंगी। वो प्रवचन गुरुवर की धरोहर में दिया हुआ है, पूरा के पूरा आप पढ़ सकते हैं।
मैंने जब उसको सुना तो सुनने के बाद मेरे दिमाग में कण कण में रोम रोम में बस गया वो प्रवचन बस गया। और जब गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद 1990 के बाद, वंदनीय माता जी के प्रयाण के बाद 1994 के बाद, जब हम लोगों ने ज़मीन खरीदी ये वाली, तो उसके पीछे यही था सबसे बड़ा उद्देश्य, ये ज़मीन खरीदने के पीछे कि सबसे पहले अपना विश्वविद्यालय यहाँ का बनना चाहिए। विश्वविद्यालय बनाए बिना हम शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं कर सकते। शिक्षा नीति, शिक्षा में विद्या का समावेश, शिक्षा में संस्कारों का समावेश तब तक नहीं हो पाएगा, और अच्छे छात्र अच्छे छात्राएं तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि हम इसको विकसित नहीं कर पाएंगे। तो भाइयों और बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि 1999 में इसका भूमि पूजन हुआ, 2000 में महाविद्यालय बना, 2001 से चालू हुआ, 2002 में उसका समापन हुआ, और उसके साथ महाविश्वविद्यालय का शुभारंभ हुआ, और उसके बाद हमको सारी की सारी चीज़ें मिलती चली गई। इसके बाद अब हमको धीरे धीरे करके क्रमशः 7 प्रांतों में विश्वविद्यालय बनाने की योजना बन ली है। 7 प्रांतों में हम विश्वविद्यालय, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के पैटर्न पे बनाने जा रहे हैं आने वाले 1 वर्ष के अंदर। और ये भी देव संस्कृति विश्वविद्यालय का एक प्रकार से बहुराष्ट्रीयकरण हो जाएगा, पूरी तरह से मतलब एक वैश्वीकरण हो जाएगा। देखते देखते बदलाव आएगा, लोगों में चेंज आएगा। हमारी जो सरकार है वो भी इस दिशा में सोच रही है, बराबर संपर्क कर रही है हम लोगों से। मैं ये कहना चाहता था कि अब धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है कि अच्छे लोगों को पहचान रहे हैं वो सब लोग, वो अच्छे लोगों की पहचान बढ़ती चली जा रही है। तो चिन्मय ने जो एक दृश्य सामने रखा कि बहुत ज़्यादा भयानक संकट सामने खड़ा है, मैं मानता हूँ इस बात को। आस्था संकट की विभीषिका बहुत भयंकर है, पर इस आस्था संकट की विभीषिका से जूझेगा कौन? देव मानव जूझेंगे, और देव मानव को बनाने का तंत्र नहीं बनेगा तो कैसे बनेगा? चाणक्य ने अपनी चोटी खोल कर रख दी थी और कहा था कि जब तक मैं इसको नंदवंश के साम्राज्य को समाप्त नहीं कर दूंगा, और जब तक चंद्रगुप्त को स्थापित नहीं कर दूंगा, और जब तक मैं नालंदा तक्षशिला तंत्र का तंत्र नहीं स्थापित कर दूंगा, तब तक मैं इस चोटी को नहीं बांधूंगा। उस चाणक्य की परंपरा को पुनर्जीवित किया परम पूज्य गुरुदेव ने, और मैं समझता हूँ मित्रों, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम उसके निमित्त बन रहे हैं, निमित्त बन रहे हैं, और आने वाले दिनों में हमें बहुत बड़े काम करने हैं, और उस काम को करने के लिए निमित्त आप लोगों को बनाया है। जितने यहाँ बच्चे बैठे हैं वो, और जो बच्चे आज नहीं आए हैं, अपने घर में पढ़ाई कर रहे हैं, कोर्स की कोर्स की कोर्स की कोर्स तैयार कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता सारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं, और बच्चे जब अभ्युदय से जुड़ेंगे, अभ्युदय एक मेरे दिमाग में इस अभ्युदय का कंसेप्ट आया था 2004-2005 में, जब सांस्कृतिक मंडल बनाने की बात आई, बच्चों की संस्कृति संस्कृति मंडल, संस्कृति मंडल बने, बहुत अच्छी तरह चले भी, परंतु उसके पश्चात एक एक क्रम ऐसा आया जिसमें मैं अनियमित हो गया, मैं उनको मॉनिटर नहीं कर पाया, तो क्रम बंद हो गया। परंतु पिछले साल से चालू हुआ है ये, और मैं समझता हूँ कि इसमें दीपक की भूमिका बहुत अच्छी महत्वपूर्ण रही है, जिसने कि इसने इस क्रम को आगे बढ़ाया है। दीपक के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत बधाई। दीपक के साथ साथ उन बच्चों को भी जो डिवोटेड भाव, समर्पण समर्पित भाव से लगे हुए हैं इस काम में। ये युवा क्रांति वर्ष है, और युवा क्रांति वर्ष होने के नाते मैं बताना चाहता हूँ कि युवा क्रांति वर्ष में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। आने वाले 8 महीने परिवर्तनकारी हैं, हर महीने डेवलपमेंट्स होंगे बहुत बढ़िया, और आपके साथ अनेकों युवा जुड़ेंगे। हमने एक अभियान ये जोड़ा है, युवा जोड़ो अभियान, युवा जोड़ो अभियान। विभिन्न विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के युवा हमसे जुड़ेंगे, और हमसे जुड़ करके ये काम करेंगे। देखते देखते वो परिवर्तन दिखाई पड़ने लगेगा, जिस परिवर्तन की परम पूज्य गुरुदेव ने अपेक्षा की थी, कि आस्था संकट का उपचार आएगा मानवीय आस्थाओं के उन्नयन के माध्यम से, परिवर्तन के माध्यम से, वो दिखाई पड़ने लगेगा शिक्षा और विद्या में, क्रांति के माध्यम, शिक्षा की विद्या के साथ समन्वित क्रांति। शिक्षा की क्या स्थिति है आपको सब मालूम है, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, पर उसको बदलेगा ये तंत्र, बदलेगा विश्वविद्यालय का तंत्र, और विश्वविद्यालय के तंत्र से मुझे बहुत अपेक्षाएं हैं। मैं आपके क्लासेस लेता हूँ, मैं वैल्यूज़ के बारे में बताता हूँ, आपके अन्य अन्य जो अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, वो भी आपको बताते हैं, पर अभी भी बहुत कुछ करने की संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं हैं, जिसको हम करके दिखा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो समय है बड़ा महत्वपूर्ण है, समय को पहचानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो इस समय बच्चे आए हैं कल चले जाएंगे, जो नए आएंगे वो जुड़ेंगे, ये अनवरत प्रवाह चलता रहेगा। गंगा में पानी
आज जिसमें आप खड़े हैं वो वाला नहीं है जो कल होगा या एक सेकंड बाद होगा या 5 सेकंड बाद होगा, बह के आगे निकल जाएगा। पर ये गंगा बहती रहनी चाहिए, गंगा को रोक नहीं सकता कोई, गंगा के प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता। ज्ञान गंगा का प्रवाह है, जिसे भगीरथ के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने आरंभ किया और ये कहा कि 21वीं सदी की गंगोत्री शांतिकुंज हरिद्वार है, यहाँ से निकलेगा सारा प्रवाह, यहाँ से निकलेगी सारी गंगा। किसी ज़माने में गंगा यहीं बहती थी, बिल्कुल पास में बहती थी, बहुत पास में, बाद में दूर चली गई। और कलयुग का प्रभाव है कि उसमें पानी उतना नहीं है जितना पहले हुआ करता था, डैम्स बनते चले गए, आधुनिकता का प्रवाह है। आधुनिकता के क्रम में हम लोग उस चीज़ से वंचित हैं जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, संस्कारों की ज़रूरत है, संस्कृति की ज़रूरत है और हमारे पर्यावरण में परिवर्तन की ज़रूरत है। पर यह सारा काम कौन करके दिखाएगा? एक छोटा सा अभ्युदय का संकल्प, एक छोटा सा पुनर्निर्माण का संकल्प, एक छोटा सा अपने जीवन में बदलाव का संकल्प, एक छोटा सा नवनिर्माण का संकल्प, ये आपके जीवन में यदि आ जाएगा और वो संकल्प यदि करने के लिए आप तत्पर हो जाएंगे तो फिर आप कर दिखाएंगे। हमारे पास केदार दुबे जी बैठे हैं, एक संकल्प आया इनके मन में, वो मेरे पास आए, हम दोनों ने मिलकर बातचीत की, फिर रणनीति बनाई, रणनीति बनाने के बाद आज हमारी स्थिति यह है मित्रों कि भारत सरकार हमसे कहती है कि अगर गंगा की कोई सफाई कर पाएगा तो केवल गायत्री परिवार कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा। आपकी रणनीति देख के हमको लगा कि आप कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, और इसका सारा श्रेय मैं केदार दुबे जी को देता हूँ। इन्होंने बहुत बैठ के मेटिकुलस प्लानिंग करी, प्लानिंग करने के साथ साथ दल बनाए, दल बनाने के साथ कार्यकर्ताओं को जगह जगह भेजा और ये स्थिति हो गई हम 5वें राउंड में प्रवेश करने जा रहे हैं। 4 राउंड हम लोग कर चुके हैं, पूरी गंगा की परिक्रमा कर चुके हैं यहाँ से वहाँ तक। एक एक चीज़ के बारे में हम लोग सोच चुके हैं कि किस किस का क्या क्या किया जाएगा, डिस्पोजल कैसे होगा, रिसाइकलिंग कैसे होगी, जो बनेंगे विभिन्न प्रकार के सिस्टम बनेंगे, बायोडाइजेस्टर सिस्टम बनेंगे वो कहाँ बनेंगे, जो स्नान होते हैं उस समय जो भीड़ आती है उसकी 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 टीचिंग कैसे होगी, इन सब के बारे में सोच चुके हैं। और इसीलिए हमने समय 10 साल का लिया है, 2026 तक हम गंगा को उसकी शाखा प्रशाखाओं, यमुना से लेकर बेतवा से लेकर सब, और न केवल शाखा प्रशाखाओं बल्कि भारत की सारी नदियों को हम शुद्ध करके दिखा देंगे 2026 तक। ये हमारा संकल्प है। तो ये संकल्प केवल एक मन में संकल्प उभरा, नदियों हमारी साफ होनी चाहिए। इन्होंने नर्मदा से शुरू किया, मैं गया था अमरकंटक, अमरकंटक में नर्मदा का जल रख करके कलश यात्रा रवाना की थी। फिर मैं उसके बाद सोमनाथ गया था, उसी जल को यात्रा करके जब वो आया, जगह जगह गंगा प्रज्ञा मंडल बनाता हुआ, नर्मदा प्रज्ञा मंडल बनाता हुआ आया और सफाई का संदेश देता हुआ आया, तो जनता की भागीदारी देखते बनती थी। जनता कितनी जबरदस्त जुड़ी हुई है। नदियाँ हमारी संस्कृति की जननी है, हमारी संस्कृति पैदा हुई है तो नदियों के किनारे जन्मी है, पर नदियों के किनारे प्रदूषण भी हमने पैदा किया है, उसको ठीक भी हमें करना है। सोमनाथ में हमने उस कलश के जल को, नर्मदा के जल को सोमनाथ में शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया और वह सीधा वो समुद्र में जाके मिल गया। तो मित्रों ये जो अब भी क्रांति हो रही है, ये क्रांति बड़ी विलक्षण क्रांति है, युवा क्रांति जो है। इस युवा क्रांति वर्ष में मैं चाहता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय के बच्चे बच्चियाँ जितने भी हैं वो सब एक्टिव पार्टिसिपेशन करें पूरी तरह से। मैं मान के चलता हूँ कि कोई भी बच्चा इससे वंचित नहीं रहना चाहिए, वो बच्चा तो बच्चा वंचित कहीं है किसी रूप में है तो उसको भी जोड़ने की कोशिश सबको करनी चाहिए, तब तो ये अभ्युदय हमारा सार्थक है। और अभ्युदय के अंदर बहुत सारी बातें होंगी, सुबह शाम तक अच्छी अच्छी बातें होंगी, पर इसके अलावा जो बातें होंगी वो ये कि हम इस युवा क्रांति वर्ष को सफल कैसे बनाएं। हम इस युवा क्रांति वर्ष को केवल 1 साल का नहीं रख रहे, हम 2 साल का रख रहे हैं, 2016-2017। इन 2 वर्षों में बहुत विलक्षण क्रांति होगी, बहुत विलक्षण बदलाव आएगा। मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति इसमें जुड़े, और हर व्यक्ति जब जुड़ेगा तो फिर देखते देखते मैं सोचता हूँ कि आप यहाँ से जाने के बाद भी जुड़े रहोगे सारे आंदोलनों के साथ साथ, जितने आंदोलन हमारे हैं। थोड़ा ध्यान से इस साल अखंड ज्योति के अंकों को पढ़िएगा, विशेष रूप से संपादकीय पृष्ठों को। मैं स्वयं बड़ी गहराई से उनको लिख रहा हूँ और एक एक उस मुद्दे को टच कर रहा हूँ जिस मुद्दे पे मैं युवाओं को ध्यान देना चाहिए, युवा 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 और युवक और युवतियों को जो ध्यान देना चाहिए, उन सब मुद्दों को उसमें लिया है। तो उसको आप पढ़िएगा, देखिएगा। अभी अगला जो हमारा मोर्चा है वह है हमारे 21 जून योग दिवस, उसके बाद अगला मोर्चा है 20 जुलाई जब हम
हरितिमा और वृक्षारोपण ये सब करेंगे, गंगा की सफाई का अभियान, तटों की सफाई का अभियान, मंदिरों की सफाई का अभियान ये सब करेंगे। तो इन सब में सबकी भागीदारी चाहिए, सबकी भागीदारी चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते तो अपना कैंपस तो साफ रख सकते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी के कैंपस को साफ रखने में हम कितना योगदान दे सकते हैं, अपनी डॉर्मेट्री को साफ करने में हम कितना योगदान दे सकते हैं, अपने कमरे को साफ करने में हम कितना योगदान दे सकते हैं, अपने टीचिंग रूम को साफ करने में कितना योगदान दे सकते हैं, और जब कभी कोई सामूहिक मोर्चा होता है, सामूहिक आंदोलन होता है, उसमें हम क्या योगदान दे सकते हैं। तो युवा प्रकोष्ठ जो वहाँ काम कर रहा है, प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ, उसके नज़दीक में रहने वाला देव संस्कृति विश्वविद्यालय का युवा प्रकोष्ठ उसके साथ कितना जुड़ के काम कर सकता है। अगर वो हो सकता है कि वो इससे ज़्यादा बढ़ के काम करके दिखा दे कि भारत में कहीं भी कोई काम हो रहा है उससे ज़्यादा बड़ा काम हमारा है, तो मैं समझता हूँ कि ये गर्व का विषय होगा देव संस्कृति विश्वविद्यालय के लिए। आप कितने विद्यार्थी निकालते हो, कितने छात्र छात्राएं निकालते हो, कितने डिग्री लेके आते हो, कितने मेडल लेके आते हो, कितने हाथ पांव टेढ़े मेढ़े करके गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल ले आते हो, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब ये है कितने नए युवा गढ़ते हो, कितने नए युवा बनाते हो, कितने नए आप में से महामानव निकल के आते हैं, कितने विवेकानंद निकल के आते हैं, कितनी निवेदिता निकल के आती हैं, कितने सफाई करने वाले निकल के आते हैं, और कितने भारत के नवनिर्माण करके निकलने वाले आते हैं। जो ये कह सकेंगे भारत माता की जय कहने में मुझे कोई संशय नहीं, भारत माता की जय कहने में संशय हो रहा है लोगों को, भारत माता की जय हम नहीं बोलेंगे, मत बोलो, जाओ इस देश से निकल जाओ, अगर नहीं बोलना है तो निकल जाओ इस देश से। भारत माता की जय बोलने वाला और भारत माता की जय बुलवाने वाला एकमात्र विश्वविद्यालय देव संस्कृति विश्वविद्यालय होना चाहिए, जहाँ से लोग ये कहें कि उस विश्वविद्यालय से आवाज़ आई है, तो इसका मतलब ये कि सब जगह ये आवाज़ आनी चाहिए, सारे विश्वविद्यालयों से ये आवाज़ आना चाहिए। मैं समझता हूँ ये क्रांति का समय है, और ये युवा क्रांति यहाँ से होगी, विश्वविद्यालय से होगी, युवा प्रकोष्ठ से होगी, पूरे देश में होगी, बदलाव दिखाई पड़ेगा, दिखाई पड़ रहा है। रोजमर्रा की न्यूज़ में, सोशल मीडिया में मुझे सारे समाचार मिल रहे हैं, और मुझे लगता है यही समाचार हमारे प्रधानमंत्री जी को मिल रहे हैं, यही समाचार सभी जगह मिल रहे हैं। देखते देखते बदलाव आ रहा है, हम सब मिलकर के कुछ करें, प्रयास करें तो हो जाएगा। अभ्युदय के काम में सहायता करने वाले, लगे रहने वाले सारे विद्यार्थियों को मैं बधाई देता हूँ, जितने भी शुरू से आखिर तक इसमें लगे हुए हैं सबको बधाई देता हूँ, और ये बधाई ये देता हूँ कि तुम लोगों ने बहुत मेहनत की बेटा, बहुत प्रयास किया है, बहुत पुरुषार्थ किया है। शाम को मैं डिटेल में सुनूंगा, जब तुम लोग अपनी अपनी बातें बताओगे, तुम्हारे कार्यक्रम देखूंगा, और दिन भर यहाँ से आज कार्यक्रम चलेगा। इस अभ्युदय के माध्यम से, उत्कर्ष के माध्यम से, यतो अभ्युदय निःश्रेयस्य धर्मः, धर्म की परिभाषा बताई, यतो अभ्युदय, जहाँ अभ्युदय हो सबका उदय हो, और निःश्रेयस बिना किसी श्रेय की कामना के हो, वो धर्म है, धर्म की बात है। ये ऐसा कुछ संस्कृति का स्वरूप बनाना यहाँ जरूरी है, क्योंकि हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय के हैं। लोग भ्रांतिवश न जाने क्या क्या बोल देते हैं, परंतु हम हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के एक छात्र छात्राएं, सदस्य, आचार्य आचार्या, भाई बहन या इससे जुड़े हुए, इससे इसके सिंपेथसाइजर, जो भी कुछ हम लोग हैं, हमको इसके लिए वो कुछ वो करके दिखाना है जिसके लिए हम लोगों को वास्तव में गुरुदेव ने भेजा है या सेलेक्ट किया है, चूज किया है। ऑल आर इन्वाइटेड बट फ्यू आर चूजन, श्री माँ ने कहा है अरविंद, श्री अरविंद के आश्रम से, ऑल आर इन्वाइटेड, सबको आमंत्रण भेजा गया है, तो कुछ ही को चुना गया है। बहुत सारे लोगों को इन्विटेशन भेजा गया था, बहुत सारे लोग गए थे, आए थे यहाँ इन्विटेशन एडमिशन लेने के लिए, पर उनमें से कुछ ही को चुना गया है। वो चुने हुए लोग आप यहाँ बैठे हो, सारे के सारे सब चुने हुए बच्चे बैठे हैं जिसके लिए, और ये चुना हुआ आमंत्रण जो गया है ये गुरुदेव माता जी की तरफ से सीधा गया है आपको, आपको सब हर एक को बनना है। मैं नहीं चाहता मुझे किसी को रिस्टिकेट करना पड़े, तीन चार को पांच को करना पड़े, पर कहीं एक आध मछली गंदी आ जाती है तो निकाल के फेंकना पड़ता है, एक आध टमाटर सड़ा आ जाता है तो पूरी टोकरी को सड़ा बना देगा, इसलिए उसको निकाल के फेंकना पड़ता है। वो डिसीजन मुझे लेना पड़ता है अभिभावक होने के नाते, एक आंख दुलार की, एक आंख सुधार की, पर मैं ये चाहता हूँ मित्रों कि सब के सब तुम लोग मेरे साथ बने रहो, अंतिम समय तक यात्रा हम लोग साथ साथ करते रहें, और जहाँ से चले जाओ तो भी उसके बाद भी एलमनी भी बने रहो, तो एलमनी के रूप में भी हमसे जुड़े रहो, हम सब मिलजुल करके एक नया योग ला के दिखा देंगे, नया परिवर्तन ला के दिखा देंगे। श्रद्धेय द्वारा इस अभ्युदय 2016 का ये संदेश, हम सबको एक आमंत्रण है उस भूमिका को अदा करने का जिसकी उन्होंने हमसे अपेक्षा की है, जिसकी युग ऋषि ने हमसे अपेक्षा की।